बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने रिच क्रीमी मज़ेदार सी ड्राई फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट सलाद बना रही हूँ। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट सलाद बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें मैंने सेब लिया है, ये 4 अदद सेब लेकर मैंने इसका छिलका उतार के ये छोटी छोटी कटिंग की है। 3 अदद कीनू मैंने इस तरह के उसमें काटे हैं, 4 अदद अमरूद काटे हैं, 6 अदद केले इस तरीके से गोल काट लिए हैं, और मैंने आलू बॉईल करके ये 4 अदद आलू हैं जो बॉईल करके ये भी क्यूब्स में काट लिए हैं, और अनार के दाने निकाल लिए हैं। ये एक बाउल है, ये 2 अनार से निकाले हैं। और इसके अलावा जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। पहले तो मैं आपको साबुत दिखाऊँ, ये कुछ ड्राई फ्रूट ये हैं। ये मैंने खुबानी ली है, अंजीर ली है, खजूर 2 टाइप की ली है, और इसके अलावा मैंने काजू लिए हैं। ये खुबानी छोटी छोटी कर ली है, काजू के भी 2-2 पीस कर लिए हैं, और खजूर मैंने इस तरह छोटी छोटी काट ली है। किशमिश है 2 तरह की, और ये थोड़े से मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिए हैं अखरोट, और ये बादाम है आधी बाउल, और ये बारीक कटे हुए बादाम है, ये ज़रा थोड़े बड़े कटे हुए हैं और ये बारीक कटे हुए हैं, और ये अंजीर मैंने काटी है, ये भी इस तरह छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, ये पिस्ता है, ये भी आधी बाउल मैंने लिया है, ये भी बारीक काट लिया है। जो चीज़ें मैंने साबुत दिखाई हैं ये काटने के लिए नहीं मैंने रखी, ये मैंने इनको काट चुकी हूँ, ये सिर्फ साबुत दिखाने के लिए रखी थी। और इसके अलावा मैंने इसमें दही लिया है, 1/2 किलो दही है, इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। ये 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 बाउल मैंने फ्रेश क्रीम का लिया है, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का है, ये हनी मिक्स है फ्रेश क्रीम, ये इसलिए इसका कलर येलो येलो है क्योंकि ये हनी मिक्स है। अब ये प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेटर में ये सारी चीज़ें फ्रूट डालते हैं और फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये आलू है ये डालूंगी, बस सेब डालते हैं इसमें, ये बनानास डाल दिए हैं मैंने, ऑरेंज डाल दिए हैं, ये गावास डाल दिए हैं, थोड़े कच्चे टाइप के थे, बहुत ज्यादा पके हुए नहीं है, थोड़े क्रंची टाइप के हैं, और ये अनार के दाने, ये सारी चीजें डाल दी हैं। अब मैंने इसमें मजीद जो चीजें डालनी हैं उसमें है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी इसी तरीके से हम डाल देंगे। सबसे पहले मैं अंजीर डाल रही हूँ, ये अंजीर के सारे पीस मैंने डाल दिए हैं, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये 2 तरह की किशमिश मैंने ली थी, ये 2 टाइप की खजूर ली हुई है मैंने 2 क्वालिटियों की, ये खुबानी है थोड़े से पीस, ये काजू हैं, ये थोड़ा सा मैंने एक बाउल में जो बादाम बारीक काटा है ये गार्निशिंग के लिए रखा है। अब इसमें मैं ये काली मिर्च पाउडर पूरे पे स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसमें थोड़ी चीनी शामिल करते हैं, ये पीसी हुई चीनी है, अब इसमें जो दही है वो फेंट कर डालेंगे। पहले दही को अकेला फेंट लेते हैं, फिर इसमें फ्रेश क्रीम मिक्स करेंगे। हैंड मिक्सचर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ। अगर आपकी दही ज्यादा ठीक हो तो आप जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चलाना है उसको, हल्का सा चलाना है ताकि बहुत ज्यादा वो लस्सी ना बन जाए, बस
हल्का सा चलाने से वो एकदम ग्राइंड हो जाएगी। क्विकली काम करना चाहते हैं बहुत जल्द से हो जाए तो उसमें कर सकते हैं। अब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम भी मिक्स कर दी है, अब इस दोनों को मिक्स करेंगे। अब ये क्रीमी मिक्सचर तैयार हो गया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अब स्लोली स्लोली साइडों से यूं उठा के डालना है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा चीजें और थोड़ा कम प्लेटर छोटा है और चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं और ये मैं अब स्लोली स्लोली ये इसकी पोजीशन जो है इस तरह ऊपर नीचे करूंगी ताकि अच्छी तरह सारा मिक्स भी हो जाए और बर्तन भी चेंज ना करना पड़े मुझे। ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट फ्रेश फ्रूट क्रीमी सलाद हमारा बहुत क्रंची और क्रिस्पी किस्म का बना है इसमें क्योंकि ड्राई फ्रूट डले हैं। अब हम इसको डालते हैं बाउल में डिस्प्ले पर लगाने के लिए और साथ ही आपसे ये भी इजाज़त भी चाहते हैं आप भी इस तरीके से बनाएं, इस मेथड को फॉलो करें। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं आप वो डालें, ज़रूरी नहीं आप वो सारी चीज़ें डालें जो मैंने डाली हैं, जिसके पास हैं वो डालें, जिनके पास नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी, फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।